संपूर्ण विश्व को जिन्होंने सुख शांति का संदेश दिया, उन अरहत सम्यक संबुद्ध को तथा उनका सद्धम्म और सदा ये पावन पूजित संघ को त्रिवार अभिवादन करते हैं। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे सभी महापुरुषों के विचारों का स्मरण करते हुए आप सभी श्रद्धा संपन्न, शील संपन्न उपासक उपासिकाएं सभी को इस वर्षावास के अवसर पर मंगल कामना देते हैं, शुभकामना देते हैं। आज हम मुंबई से बदलापुर एरिया है, इस बदलापुर एरिया में जो एक तुलसी विहार है जहाँ हमारा वास्तव्य है वर्षावास के लिए, यहाँ से बदलापुर के सभी श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाओं ने ये ऑर्गेनाइज किया है वर्षावास का आयोजन। जिनके योगदान से आज हम आपके बीच में इस वर्षावास का महत्व इस संक्षिप्त में थोड़ी धर्म चर्चा करेंगे। वर्षावास और उसका महत्व, ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वर्षावास किसे कहते हैं, वर्षावास का अर्थ क्या है। वर्षा यानी जो इसे हम बरसात कहते हैं, वास यानी जहाँ एक वास्तव्य करना है, तो कौन वास्तव्य करता है। वैसे तो संसारी लोगों के लिए अपना अपना घर होता है, तो अपने अपने घर में वास्तव्य करते हैं। खास तौर पर बुद्धिज्म में, बुद्ध शासन में वर्षावास करने के लिए उपसंपन्न भिक्खु और भिक्खुनी, ये दो विशेष लोग ऐसे होते हैं कि जिनका वर्षावास हो जाता है। जो सामनेर और सामनेरी जो रहते हैं, यो वो अपने गुरु के सानिध्य में रहकर इस समय में बहुत ही गहन धर्म का अध्ययन करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जहाँ उपसंपन्न भिक्खु और भिक्खुनी जिस परिसर में वास्तव्य करते हैं, उस परिसर के लोगों को यानी कि उपासक और उपासिकाओं को चार निश्रय के आधार पर, जो कि उपसंपन्न भिक्खु और भिक्खुनी के लिए होते हैं, जहाँ पिंडपात जैसे भोजन दान हम कहते हैं, रहने का आवास निवास, चीवर आदि की व्यवस्था, भेषज परिकार आदि, इन चार निश्रय के आधार पर जहाँ जहाँ उपसंपन्न भिक्खु और भिक्खुनी इस वर्षा के समय में वास्तव्य करते हैं, निवास करते हैं, तो परिसर के सभी श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाओं को इन चार आश्रय के आधार पर अपने जीवन में इस समय में बहुत ही पुण्य अर्जन करने के लिए सुअवसर मिल जाता है। तो इस दौरान उपासक उपासिकाओं के लिए और भिक्खु और भिक्खुनी के लिए, इन चार लोगों के लिए विशेष के महत्व का समय होता है, क्योंकि यही एक ऐसा समय होता है कि जहाँ दीर्घ काल तक 3 या 4 महीने तक एक जगह भिक्खु और भिक्खुनी वास्तव्य कर सकते हैं, बाकी का जो समय होता है तो उनका अपना भ्रमण ही होता है। और यही समय उपासक उपासिकाओं के लिए भी बहुत बड़ा एक अवसर प्राप्त करते हैं कि इस समय में बहुत उपासक उपासिकाएं अष्टशील आदि उपोषक का पालन भी करने के लिए उनकी श्रद्धा उनका चित्त बहुत ही प्रसन्नता के साथ एक प्रेरित हो जाते हैं। तो ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो पुण्य अर्जित करने के लिए, इसलिए कहते अयंग मस्तानो कालो, ये वर्षावास का समय है, बहुत ही गंभीरतापूर्वक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। तो पहले बात तो वर्षावास की जो एक संकल्पना है, वर्षावास की शुरुआत है, जहाँ तक हम देखते हैं कि भगवान तथागत ने जब भी बुद्धत्व प्राप्त किया था
सारनाथ की ओर से हम देखते हैं कि पंचवर्गीय भिक्खु को उन्होंने जो पहला उपदेश किया था, जो वर्षा का समय था, इस वर्षा के समय वहाँ उन्होंने बिताया था, उसी से ये परंपरा शुरू हो गई है। लेकिन वहाँ तक सभी के लिए विनय का कोई भी विनय की कोई भी भगवान ने यहाँ तक आज्ञा नहीं दी थी। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध शासन में भिक्खु और भिक्खुनी बढ़ते चले गए और जहाँ जहाँ भ्रमण करते गए, तो भ्रमण करते समय उस समय जिस तरह की आज सुविधाएं है आने जाने के लिए, उस समय आने जाने की कोई भी सुविधा नहीं थी। तो बहुत सारे उस समय में भिक्खु और भिक्खुनी भ्रमण करते समय उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। जब भगवान को इस बात का पता चला, तो भगवान ने उसी समय एक वर्षावास का नियम बना दिया भिक्खु और भिक्खुनी के लिए कि ये जो वर्षा का जो समय है वो हर भिक्खु और हर भिक्खुनी एक जगह, एक आवास या निवास या एक विहार, जहाँ उनको एक अनुकूल स्थान रहे कि जहाँ उनका एक समय अच्छी तरह से बीत जाए, उसी जगह उन्होंने निवास करना चाहिए। ये भगवान ने बाद में आदेश दिया। वहाँ से लेकर आज तक वहाँ से एक परंपरा की शुरुआत आज भी भगवान की जो बनाई हुई जो परंपरा है वर्षावास की परंपरा, आज भी सभी उप संपन्न भिक्खु और भिक्खुनी बहुत ही अच्छी तरह से निभाते आते और निभा रही है। तो ये जो समय धर्म पालन करने के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि वर्षा काल में बहुत भिक्खु और भिक्खुनी अपने व्यक्तिगत साधना करने के लिए, अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या, अपना जो उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य के लिए वो चीवर परिधान करते हैं, सब दुख निस्सरणं निब्बाणं सच्ची करणत्थाय आदि, जो उनका जो एक उद्देश्य होता है कि सभी दुख को नष्ट करने के लिए और निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, इस उद्देश्य से जो भी चीवर परिधान किया जाता है, तो इस उद्देश्य को सामने रखकर अपनी सील समाधि प्रज्ञा को पुष्ट करने के लिए ये अपना समय बिताते हैं। और इसी दौरान जो उपासक उपासिकाएं उनको भोजन दान आदि, अष्ट परिष्कार आदि, चीवर जो आदि चार निश्रय जो जीवनचर्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो ये चार निश्रय के आधार पर अपने जीवन में पुण्य अर्जित करते करते भगवान की वाणी सुनने को भी उन सभी उपासक उपासिका को बहुत बड़ा अवसर प्राप्त होता है। क्योंकि जो भिक्खु या भिक्खुनी उपासिका की ओर से भोजन दान आदि, गिलान पच्चे आदि का जो दान लेते हैं, तो उस दान का दानानुमोदन करते समय उन्हें को उपदेश देते हैं, ताकि उपासक उपासिका के चित्त में त्रिरत्न के प्रति श्रद्धा बढ़े, उनके जीवन में धर्म का पालन करने के लिए प्रेरणा जागे, उनका जीवन सुख शांति के लिए वो जीने के लिए प्रेरित हो जाए, उनके हाथों की ओर से ज़्यादा पुण्य कर्म, कुशल कर्म बने रहे, इसीलिए उनकी चेतना को बनाने के लिए, श्रद्धा को बढ़ाने के लिए वो सदाई तथागत का उपदेश करते हैं। तो ये वर्षावास का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए कहते अयं मस्तानों का ये वर्षा का समय है। तो इस समय जिस तरह पहली बात तो है कि कुछ भारतीय जो लोग हैं इसे ग्रंथिक परंपरा बनाते हैं, तो वर्षावास तो जहाँ ग्रंथिक परंपरा है और ना ही उपासक उपासिकाओं का कभी वर्षावास होता है, जहाँ तक सामनेर और सामनेर का भी वर्षावास नहीं होता, वो सामनेर या सामनेरी चाहे चीवर में 100 साल तक भी अपना जीवन बिताए, तो भी बुद्ध शासन के विनय के अनुसार उनकी वर्षावास में कोई भी गलती नहीं होती। तो उपासक और उपासक की बात तो बहुत दूर की बात है, फिर भी अपने जो भारतीय लोग हैं बाबा साहब से प्रेरित होकर बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते हैं,
आदि ग्रंथ का पठन करते चाहे इस कदर ये अच्छा बहुत काम होता है कि ग्रंथ के मायने से भले ही हो एक जगह बैठते उठते हैं वैचारिक धर्म चर्चा आदि करते हैं तो ये लोग भी बुरा कर्म नहीं करते, बुरे कर्म नहीं करते, कुशल कर्म ही करते हैं। लेकिन ये बात समझना बहुत ज़रूरी कि हमारा भी वर्षावास है, ये संकल्पना उपासक और उपासिका ने हमारे उनके मन में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वर्षावास उपसंपन्न भिक्खु और भिक्खुनी का ही होता है। हाँ, लेकिन पुण्य कर्म करने के लिए सभी के लिए का ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ भिक्खु या भिक्खुनी वास्तव्य करते हैं तो उनके जरिए चार निचरे के आधार पर धर्म को सुनने को उनको मिलता है, पुण्य अर्जित करने को मिलता है, दान धर्म आदि करने को मिलता है। तो ये बहुत ही उपासक उपासिकाओं के लिए भी महत्वपूर्ण ही समय, सभी के लिए महत्वपूर्ण समय है। तो इस समय में, इस समय का हमने सभी ने बहुत ही सदुपयोग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवितं अनियतं मरणं नेतं। साधारण लोग ये नहीं जानते, सामान्य लोग ये नहीं जानते, दोबारा जन्म होगा या नहीं होगा ये लोग इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन एक बात सभी जानते हैं, जीवितं अनियतं मरणं नेतं, जहाँ जन्म हुआ है तो कभी ना कभी मृत्यु को प्राप्त होना ही है। तो मृत्यु को प्राप्त वो सभी होना है, लेकिन मृत्यु को प्राप्त होने से पहले धर्म का पालन करते करते हमारी सुगति हो, हमारे जीवन में सुगति के लिए पुण्य कर्म का संचय हो, कुशल कर्म का संचय हो, ये संकल्पना लेकर उपासक उपासिकाओं ने अपनी ओर से जितना हो सके उतना इस समय सील का पालन करना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप लोग पंचशील का पालन हमेशा करते हैं, इस समय में जितना हो सके अष्टाशील का पालन करने का प्रयास करिए, उपोषण का पालन करने का प्रयास करिए, तो आपके जीवन में आप स्वयं अनुभव करोगे कि सील का पालन करने से, उपोषण का पालन करने से आपको क्या लाभ मिलता है। क्योंकि वर्षावास के समय ही आपको जहाँ जहाँ भिक्खु और भिक्खुनी वास्तव्य करते हैं एक बिल्कुल क्रमानुकूल धर्म को धारण करने को आपको अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे कि भगवान ने क्रम बताया है, परियत्ति, पटिपत्ति और पटिवेदन। परियत्ति से लेकर पटिपत्ति, पटिपत्ति से लेकर पटिवेदन। जैसे मानो जहाँ हम किसी कक्षा में पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, थ्योरी का मटेरियल हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है। थ्योरी का मटेरियल होने के बाद ही हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अच्छी तरह से लिख सकेंगे, और जहाँ प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अगर हम अच्छी तरह से लिख सकेंगे तो हमें एग्ज़ाम देने के बाद परसेंटेज भी, रिजल्ट भी हमारा अच्छा आएगा। इसी प्रकार जहाँ जहाँ उपसंपन्न भिक्खु और भिक्खुनी वास्तव्य करते हैं तो उपासक और उपासिका धर्म के माध्यम से ये बिल्कुल इस तरह का धर्म का अध्ययन हो जाता है। परियत्ति माने समझ लीजिएगा, एक थ्योरी का मटेरियल आपके पास अपने आप संग्रहित हो जाता है, दान धर्म पुण्य कर्म आदि करके, भोजन दान आदि करके। दूसरी बात, उसी ये थ्योरी का मटेरियल प्रैक्टिकल करने के लिए आपको बहुत ही धर्म धारण करने के लिए प्रैक्टिकल धर्म को आप अच्छी तरह से अपना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और तीसरी बात, जहाँ प्रैक्टिकल अगर हम धारण कर सकते हैं, धर्म को जान सकते हैं, जो चीज़ें हमें पता नहीं होती उन चीज़ों का, जो बातें हम पता नहीं उस बातों का, जो विचार हमें पता नहीं होते उस विचारों की बहुत ही समय समय पर जहाँ जहाँ भिक्खु और भिक्खुनी की ओर से धर्म चर्चा होती है, धर्म प्रवचन होते हैं, तो उन धर्म प्रवचनों से, धर्म चर्चा से बहुत सारा ज्ञान हमें सुनने को मिलता है, जहाँ से हमारे धर्म की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाती है।
जहाँ प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाती है तो हमें उतना लाभ भी उतने परसेंटेज पे मानो उतना रिजल्ट भी धर्म का हमें सही मायने से मिल जाता है जहाँ हम अनुभव करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं धर्म अनुभव से समझना बहुत जरूरी है। तो ये धर्म अनुभव धर्म को अनुभव से अनुभव के तौर पर समझने के लिए ये वर्षावास का समय एक बहुत ही अनुकूल समय माना जाता है। तो इस समय का आप सभी उपासिकाओं अच्छी तरह से लाभ उठाइए और अपने जीवन में कुशल कर्म करने के लिए पुण्य कर्म करने के लिए अपनी चेतना को बनाए रखने के लिए सदा प्रयास करें, श्रद्धा रखें, त्रिरत्न के प्रति अपना चित्त बिल्कुल समर्पित रखें, समाहित रखें। निश्चित रूप से आपको जिस तरह एक छोटा सा जो छाता होता है, वो छोटा सा छाता वर्षा से भीगने से हमारा रक्षण करता है, वर्षा से भीगने नहीं देता, उसी तरह धर्म हमारा सदैव हर दुख से, हर विपत्ति आपत्ति से, हर संकट से बिल्कुल धर्म हमारा रक्षा करता है। इसलिए कहते हैं जिस तरह छोटा सा छाता पानी या धूप से व्यक्ति का संरक्षण करता है, उसी तरह धर्म पालन करने से व्यक्ति की रक्षा धर्म बराबर कर ही देता है। इसी मंगल कामना के साथ आपको मंगल कामना देते, आशीर्वाद करते, भवतु सब मंगलम।